इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर रसौली है या फाइब्रॉइड है तो कब ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चेदानी को अब निकाल दिया जाए, या कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके पास होता है जिससे बच्चेदानी को निकालने से बचा जा सके। तो एक एक करके हम बात करेंगे और समझेंगे कि भाई फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं, ये फाइब्रॉइड्स बनते क्यों हैं, उनका कारण क्या होता है, कौन कौन से इलाज के ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप बच्चेदानी को निकालने से बचें, और वो कौन सी कंडीशन या समय होता है कि जब बच्चेदानी को निकालना ज़रूरी हो जाता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। लेकिन उससे पहले एक अपील कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे उसको लाइक भी जरूर कर लेना। आइए शुरुआत। तो फाइब्रॉइड का मतलब होता है एक गांठ जो यूट्रस के या बच्चेदानी के अंदर बनती है, और ये कैंसर वाली गांठ नहीं होती है। इसके बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकता है, हार्मोनल इम्बेलेंस होता है हो सकता है, आप अगर कुछ हार्मोनल पिल्स लेते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, आपका खान पीन भी इसका कारण होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज रेड मीट खाते हैं तो ये भी एक कारण है, आप अगर ओबीज हैं, आप ओबिसिटी आपको है, आपका वजन ज़्यादा है, तब भी आप प्रोन होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के लिए या बच्चेदानी की रसौली के लिए। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, यानी कि इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि मरीज को वीकनेस आ जाती है, मरीज के अंदर खून की कमी भी होने लगती है, कमर में दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होने लगता है, पेट में भारीपन लगने लगता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड है तो उसका साइज़ क्या है, एक छोटे से चने के दाने के बराबर से लेके बहुत बड़े आकार यानी कि तरबूज के आकार का भी हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, और साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि इसका इलाज क्या होगा। हालांकि बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं जिससे आप फाइब्रॉइड का या यूट्रस की गांठ का या बच्चेदानी की गांठ का इलाज कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनसे भी ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाइब्रॉइड है उसकी साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर है, आपको कितना तंग करता है, आपको किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और आपकी एज क्या है, और आप क्या आगे बच्चा तो नहीं प्लान करें, उस सब पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं कि भाई हिस्टरेक्टमी करने की कब जरूरत पड़ती है, इसको निकालने की कब जरूरत पड़ती है बच्चेदानी को पूरा। देखिए, एक तो फाइब्रॉइड अगर बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो एक इंडिकेशन होता है हिस्टरेक्टमी के लिए, बच्चेदानी को निकालने के लिए। दूसरा, अगर कभी किसी को गर्भाशय का कैंसर हो जाता है, यूट्रस का कैंसर हो जाता है, या सर्विक्स का कैंसर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी पूरी की पूरी बच्चेदानी को निकालने का एक इंडिकेशन दिया जाता है। अब एक चीज़ और है जो आपको मैं सलाह दूंगा कि जब भी आपको ये डिसीजन लेना हो कि आपको बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है, उसको बाहर निकलवाना है, तो अपने डॉक्टर से आपको ये कुछ सवाल ज़रूर पूछ लेने चाहिए, और ख़ास तौर से जो फाइब्रॉइड यूट्रस के मरीज हैं या जो बच्चेदानी की रसौली के मरीज हैं, उनको ये 5-6 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए, तभी आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको किस तरीके का इलाज करना है, कि आपको बच्चेदानी को निकलवाना है या नहीं निकलवाना है। तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जो डेफिनेटली आपको ये ऑप्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए। पहला सवाल आपका हो सकता है कि भाई जब आप ये ऑपरेशन करा लेंगे, अगर आप बच्चेदानी निकलवा देंगे, तो क्या आपके सारे जो सिम्टम हैं या जो लक्षण हैं जो आपको परेशान करते हैं पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे। दूसरा, वो किस प्रकार की सर्जरी चूज करेंगे, क्या वो एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी करेंगे, लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी करेंगे, या वेजाइनल हिस्टरेक्टमी करेंगे, क्योंकि अगर आपका एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी होती है तो वो थोड़ा पेनफुल होती है, उसमें हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा समय रुकना पड़ता है, लैप्रोस्कोपिक में या वेजाइनल हिस्टरेक्टमी में थोड़ा समय कम लगता है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, आपको पेन भी कम होता है और आप रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा ये ज़रूर पूछे कि भाई क्या अभी सर्जरी के अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि सर्जरी जो है ना, हिस्टरेक्टमी या बच्चेदानी निकालने सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, तो आप ज़रूर ये डॉक्टर से पूछें कि क्या और तरीका है कोई अभी जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको दूसरे इलाज लेने से भी फ़ायदा मिल जाता है। कई बार होता है कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर निकाल दिया जाता है जिसमें आपकी ओवरीज भी शामिल होते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी होता है, यूट्रस भी होता है, इवन सर्विक्स का कुछ पार्ट भी होता है। ये जनरली किया जाता है जब मरीज को कैंसर होता है यूट्रस का, या किसी पार्ट ऑफ ओवरीज का या सर्विक्स का कैंसर होता है, तो जनरली कैंसर के केसेस में इस तरह की स्ट्रक्चरिंग की जाती है, लेकिन फाइब्रॉइड यूट्रस में जनरली सिर्फ यूट्रस को ही निकाला जाता है, क्योंकि अगर बाकी ऑर्गन्स भी निकाल दिए जाते हैं, ओवरीज निकाल दी जाती हैं, तो आपको हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है, उसके अपने रिस्क हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बेलेंस बढ़ जाएगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेनोपॉज लाइक जो सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लशेस हैं, वो आने लगेंगे। तो कोशिश करें कि भाई देखिए, अगर कुछ और ऑप्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई रास्ता नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको हिस्टरेक्टमी करानी ही पड़ेगी, या यूट्रस को रिमूव कराना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हिस्टरेक्टमी करा लिया, बच्चेदानी को निकलवा दिया, यूट्रस बाहर निकाल लिया, तो क्या
बाद में उससे आपको कुछ परेशानियां भी होती हैं। देखिए डेफिनेटली एक ऑर्गन है, अगर वो निकल जाएगा तो उसका अपना एक जरूरी काम है, तो परेशानियां तो होती हैं। अक्सर मरीजों में ये देखा गया है स्टेक्टमी के बाद के करीब 3 महीने तक उनको कुछ पेन वगैरह रहते हैं, जो आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो आते हैं, आपको इरिटेबिलिटी, इवन पेशेंट डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है, बट वो वापस आने वाली चीज़ें होती हैं, आप वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा आप अगर अभी एक्टिव पार्टनर हैं तो आपको देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है आपके गुप्तांग में, और जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, हालांकि ये बहुत कम लोगों में इस तरह के लक्षण आते हैं। उसके अलावा आपका वजन बढ़ना शुरू हो सकता है, उसके अलावा भी दूसरे रिस्क बढ़ जाते हैं जैसे हमने ऊपर बात की। अब बात करते हैं कि क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होते हैं अगर ये स्टेपिंग करा ली जाए या बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लिया जाए। तो देखिए हमेशा किसी भी सर्जरी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो जुड़े रहते हैं, आपको इनको जरूर देखना चाहिए, इन साइंस को, सिम्टम्स को वॉच करना चाहिए जब भी आपका ये ऑपरेशन होता है या आपके हिस्टरेक्टमी होती है, यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर आपने इनको ध्यान नहीं दिया और ये सिम्टम्स डेवलप हो गए, आपने इग्नोर कर दिया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो जैसे ही आपकी छुट्टी होती है तो देखें कि आपको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बार हिस्टरेक्टमी के बाद भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं, वो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं है, पेट फूल तो नहीं रहा है, क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग के साइंस होते हैं। अगर पेट फूलने लगा है या आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है तो इसमें आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बुखार तो नहीं आ गया घर जाने के बाद, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद, क्योंकि अगर आपको बुखार आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपको इन्फेक्शन हो गया है। आपका जो वुंड है उसकी साइड पे तो कोई इन्फेक्शन है, वो कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं आ गई है, उन सबको भी आपको देखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ना हो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको हो जाता है तब भी आप अपने डॉक्टर को जरूर इसके बारे में बता दें, क्योंकि इसके भी कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, आपको हवा पास नहीं हो रही है, पेट फूल है, तो उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो इसलिए पहले ही अपने डॉक्टर को आप बता के रखें। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसी फाउल स्मेल का डिस्चार्ज होने लगे आपने आपके गुप्तांग से, तो उसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत तेज कोई दर्द होता है टांग में या आपकी काफ मसल्स में, तो उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खून का थक्का जम जाता है, जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एकदम से इंटरवीन करना, अदरवाइज ये भी रिस्की हो जाता है। और अगर आपको छाती में तेज दर्द होता है या आपको सांस लेने में कोई परेशानी होती है, इन लक्षणों को भी, इन साइंस को भी आप इग्नोर ना करें। इनमें से कोई भी आपको साइन या लक्षण दिखता है तो फटाफट अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, उससे मिले जाके, और सही समय पे आप अपना इलाज पूरा करें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।